हाँ सर, लेट्स स्टार्ट। डॉक्टर आर एन ओके सर। पंचेश्वर सर, प्लीज हाँ सर, सर। जी वेलकम सर। ओके सर। सभी मेंबर्स और मेंटर्स को मेरी ओर से सादर नमस्कार। ये केस तो मैंने डिटेल आपको बता ही दिया था, उसका फॉलो अप बता रहा हूं मैं आपको। तो बोल मैं दीजिए संडे केस को, YouTube पे हाँ चला सर, जाएगा, केस भी बोल दीजिए सर। केस बोल दूं सर। ये हमारे पड़ोस की बात है कि पेशेंट के मदर की डेथ मार्च में हुई है ना। उनका बीपी हमेशा बड़ा ही रहता था, 200 के ऊपर ही रहता था। वो मेरे पास अक्सर चेकअप के लिए आती थी, तो उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। और दूसरे दिन उनके पेशेंट के हस्बैंड की डेथ हो गई। तो ये जो ये पेश हाँ जिन उनके अब उनके लड़के को जो है उनका सदमा लगा या डर गए, सदमा नहीं लगा, लड़का डर गया। उनका 48 वर्ष का है कि ये क्या हुआ है ना, ये घटनाओं से डरा हो। माता की डेथ का ऐसा बात ऐसा लगा नहीं कि इनकी डेथ का इनको दुख हो, बातों ऐसा ऐसा ऐसा, पर वो डर गए कि इनकी डेथ हो गई, माँ की डेथ हो गई, फिर फादर की डेथ हो गई। उसके बाद ये लोग यही बालाघाट में एमडी मेडिसिन से ट्रीटमेंट लिए होंगे, और जैसा कि उनने दवाइयाँ और उसकी फाइल वगैरह इन्वेस्टिगेशन वगैरह ईसीजी वगैरह सीबीसी वगैरह टेस्ट कराए, तो इन्होंने दवाई पहले गए थे एमडी मेडिसिन के पास, एक क्लोनाजीपाम पेंटाप और मल्टीविटामिन टॉनिक चल रहा था। तो उसके बाद भी इनको ऐसा सेटिस्फाइड नहीं था पेशेंट। उसके बाद इन्होंने डॉक्टर चेंज करा, तो डॉक्टर चेंज करा तो उन दूसरे डॉक्टर ने इनको एल्जोलाम रेबीमेक और टेबलेट वर्टिन, चक्कर का टेबलेट आता है एलोपैथी में, वो दिया। फिर भी इनको कोई खास आराम नहीं था, और बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो एल्जोलाम का जो है डोज बढ़ते जा रहा है। तो इनके भाई को मैंने बीपी के लिए ट्रीट किया था, मतलब 2-3 साल पहले 2017 में ट्रीट किया था, तो वो होम्योपैथी से कंप्लीटली ठीक हो गए थे। तो उनके भाई ने बोला आप डॉक्टर पंचेसर के पास चल जाओ, वही आपको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद ये मेरे पास आया, जैसा कि आपने ऑडियो में सुने हैं है ना, तो इन्होंने ये बोला कि जो पेशेंट हामी भर रहा है, अपनी आत्मा से हामी भर रहा है, अपने मन से हामी भर रहा है, उसी को मैंने लिए बन को थोड़ा उसका रहा था कि एक्चुअल जो बात है वो बोले है ना। पर उन्होंने क्या बोला, जिन बातों में अपने दिल से हामी भरी उन्हीं चीजों को मैंने रूबरू लिया। तो उन्होंने बोला कोई भी बात मेरे दिमाग में आ जाती है तो जल्दी भूलता नहीं हूं, तो सर इसका सर रूब्रिक थोड़ा लिया सा कैमरा मैंने। नीचे कर लीजिए, पंचेश्वर कैमरा थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, बस अब बस ठीक है बिल्कुल। सर, हाँ जी सर, प्लीज कंटिन्यू। पेशेंट ने कहा, ऑडियो में सुनिए आप ध्यान से, यदि सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि कोई भी बात मेरे दिमाग में आ जाती है तो मैं जल्दी भूलता नहीं हूं है ना, इसके लिए मैंने रूब्रिक लिया था एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट लॉन्ग लास्टिंग। इसमें सिंगल मेडिसिन है कार्सिनोसिन। और उसके बाद बोला गांव में कोई घटनाएं हो जाए तो वही वही मेरे दिमाग में गुजरता है, तो इसके लिए रूब्रिक लिया था मैंने होरिबल थिंग सेड स्टोरी इफेक्ट प्रोफाउंडली। और तीसरा रूब्रिक लिया था मैंने एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियल। तो एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियल इसलिए लिया कि बेवजह चिंता करना, इनका सीबीसी का रिपोर्ट नॉर्मल है, ईसीजी का रिपोर्ट नॉर्मल है, डेली बीपी चेक कराए तो बीपी भी नॉर्मल है ना, इनका थायराइड रिपोर्ट नॉर्मल आया, सब हर डॉक्टर ने इनको सलाह दिया कि आप नॉर्मल, फिर भी ये चिंता, इसलिए मैंने एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रिया दिया था। और चूंकि सिंगल मेडिसिन है एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट लॉन्ग लास्टिंग कार्सिनोसिन, ये हमारा पिक्यूलर सिलेक्ट हो गया था, इसलिए मैंने इनको कार्सिनोसिन दिया था 15 मई को।
15 मई को जब कार्सिनोसिन दिया तो संडे का दिन रहता, मैं घर चले जाता हूँ, संडे के दिन गांव का ही पेशेंट देखता हूँ मैं, क्योंकि गांव से मैंने प्रैक्टिस शुरू करी थी इसलिए गांव चला जाता हूँ मैं संडे को। तो उस दिन संडे को पेशेंट ज्यादा रहते हैं मेरे पास, तो मैं उनको एक डोज दिया था कार्सिनोसिन 0.2। तो दूसरे दिन 9 बजे आया, बोले आज तो एकदम फ्रेश लग रहा है। कार्सिनोसिन 0.2 देने के बाद दूसरे दिन उन्होंने बोला, बुद्ध जयंती थी 16 मई को, उस दिन भी छुट्टी थी, तो वो मेरे पास आया तो बोले कि नहीं आज तो मेरे को एकदम फ्रेश लग रहा है। उसके बाद मैंने उनको कार्सिनोसिन 0.2 कंटिन्यू रखी, तो वो 3 टाइम ले रहे थे कार्सिनोसिन 0.2 को। उसके 15-20 दिन बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि या जो इम्प्रूवमेंट आना चाहिए फास्ट, वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। तो मैंने मानसर की एक बुक है होम्योपैथिक माइंड और उनकी टीम, उनमें उसमें यह लिखा है कि चाहे फायदा आपको 1 घंटे के लिए हुआ हो या 1 दिन के लिए हो, वो बात मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गई, तो मैं भी अड़ा रहा अपने सिलेक्शन पे। तो फिर मैंने बोला आप एक काम करिए, इसको 5-6 बार लीजिए। तो 5-6 बार लेने के बाद पेशेंट ने बहुत ज्यादा रिलीफ, उसको फॉलो अप का ऑडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, अब सेंड करूंगा, ये केस इतना ही है ना। उसके बाद एक चीज मैंने देखी कि जो रूब्रिक मेरे से उस टाइम में छूट गए, डॉक्टर AS साकिर, इन्होंने भी रूब्रिक लिया है अभी अपने एक्सरसाइज में आज ही, एंजाइटी फ्राइट आफ्टर, ये भी सटीक बैठ रहा है, ये सच है। मार्च में इनकी मदर की डेथ हुई थी, तब से इनके दिमाग में, इन मदर फादर की डेथ हुई थी तब से इनके दिमाग में ये बात एंजाइटी आ चुकी है थी, है ना। तो ये भी रूब्रिक बिल्कुल सटीक बैटरी की है, ये AS साकिर सर का रूब्रिक है, और इम्प्रेशनेबल और सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इम्प्रेशन टू आल, ये 3 रूब्रिक AS साकिर सर से मैं आज एड कर रहा हूँ आज की एक्सरसाइज के बाद। तो इतना ही केस है, उसके बाद वो पेशेंट ठीक ही हो गया। थैंक यू बढ़िया सर। अधिकांश हम डेथ के बाद इग्नेशिया एलिमेंट्स ऑफ द डेथ ऑफ लव्ड वन में चले जाते हैं, आपने डीप अंडरस्टैंडिंग करके किया, थैंक यू। किसी के कोई क्वेश्चन हो तो कर ले प्लीज। सर 0/2 क्यों सेलेक्ट किया सर? मेरे पास 0/2 ही रखी थी, और मैं जनरली LM पोटेंसी यूज करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जैसा और ज्यादा परेशान रहते हैं तो ये LM पोटेंसी को ही मैं यूज करता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक्स टू ओके ऑल ऑफ सर, यू। और बस, और कोई क्वेश्चन होंगे तो प्लीज ग्रुप में पूछ लीजिए, है ना। ओके ओके, थैंक्स टू ऑल सर। ओके सर, बहुत अच्छा केस।